हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ शाही पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको आप इजीली घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड इसका टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट जैसा आएगा। आप इस तरीके से एक बार ट्राई करके देखिए, इसके बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आके ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैं सबसे पहले ग्रेवी तैयार करूँगी। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है, ये क्यूमिन सीड है, थोड़ा सा ग्रीन चिली, ये चॉप्ड जिंजर, ये गार्लिक है। जो लोग गार्लिक एंड अनियन नहीं खाते हैं वो तो लोग स्किप कर सकते हैं। ये अनियन है, ये 2 मीडियम साइज़ के अनियन थे जिसको मैंने पील करके चॉप कर लिया था। इसको थोड़ी देर तक फ्राई करना है। तरीके से, और ये चॉप्ड टमेटोज़ हैं, ये 4 मीडियम साइज़ के टमेटोज़ थे जिनको मैंने चॉप कर लिया था, और इनको भी चलाएंगे अभी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी ऐड किया है, चला लेंगे इसको। हमें टमेटोज़ को बॉईल करना है तो 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पका लेंगे। 2 मिनट के बाद में मैंने इसको चेक कर रही हूँ, तो इस तरीके से हो जाएंगे, ये बॉयल हो चुके हैं। और शाही पनीर है तो मैं इसमें फ्लेवर को रिच करने के लिए यहाँ पर मैं ये ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर रही हूँ, ये कैशियूज़ एंड आलमंड्स। इससे बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आएगा। अब अच्छे से पका लेंगे इसको। अनियन एंड टमेटोज अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं, तरीके से को अच्छे से भून लेंगे। और अभी इसको कोल्ड करके इसका पेस्ट बनाना है। अभी पनीर को फ्राई करना है, इसके लिए मैंने कढ़ाई में ये देसी घी डाला है, आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्यूमिन सीड, ये थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, हल्दी बोलते हैं जिसको, ये रेड चिली पाउडर, एंड ये 250 ग्राम्स पनीर था जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, इसको भी डाल देंगे। हमें इसको फ्राई करना है इस तरीके से, हल्के हाथ से चलाते हुए इसको फ्राई करना है। ज़्यादा नहीं करना है, बस 2 मिनट के लिए इसको ऐसे पलट पलट के सेंक लेंगे। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तरीके से हो चुका है ये, ज़्यादा नहीं करना है, बस 2 मिनट के लिए ही करना है। अब चलते हैं सब्जी की तरफ। मैंने ये कुछ सूखे मसाले लिए हैं, रेड चिली है, तेज पत्ता है, लौंग, इलायची, एंड ये क्यूमिन सीड है, ये गरम मसाला, ये कोरिएंडर पाउडर, ये मलाई है, ये मैंने घर में ही मलाई निकाली है, ये शाही पनीर मसाला है, ये सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये जो हमने फ्राई किया था पनीर वो है, एंड जो पेस्ट हमने बनाया था ये वो पेस्ट है। मैंने उसी कढ़ाई में, क्योंकि हमारा वो देसी घी था, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें तो थोड़ा सा देसी घी और डाला है सब्जी के लिए, आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्यूमिन सीड, ये रेड चिली,
यहाँ पे ये तेज पत्ता, खड़े मसाले का अपना एक अलग फ्लेवर होता है, ये सिनेमन स्टिक जिसको दालचीनी भी कहते हैं, ये इलायची एंड ये लौंग, इसके बाद में ये जो भी पेस्ट था हमारा वो डाल दिया है। इस तरीके से चलाएंगे इसको। ग्रेवी जितनी अच्छी बनेगी सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। इस तरीके से इसको कुक कर लेंगे, इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। इस तरीके से चलाते रहेंगे इसको। हम पहले भी अनियन और उसको भून चुके थे तो ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ पे मैं स्पाइसी डाल दे रही हूँ, टर्मरिक एंड ये गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर जो भी था सब डाल दिया मैंने। चिली आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, और आप और ज़्यादा कलर चाहते हैं तो इसमें आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया है। मैं यहाँ पर जो भी इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ वो सब कोशिश करें कि वो आपके घर में अवेलेबल हो। और ये शाही पनीर मसाला है, अच्छे से चला लेंगे इसको। मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से देखिए कलर इसका कितना अच्छा आने लग गया है। इस तरीके से अच्छे से बॉयल भी होने लगी है अभी। पका लेंगे इसको। ग्रेवी जितनी ज़्यादा पकेगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने ये खोया भी लिया है थोड़ा सा, अगर आपके घर में है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको मैं क्रश करके डाल दे रही हूँ खोए को। अभी ऐड कर ले रही हूँ अच्छे से, अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से चलाते हुए। और ये मलाई जो निकाली थी हमने, ये दूध की ही मलाई निकाली थी घर में और इसको थोड़ा सा मैश कर लिया था। आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं, बट मैंने ये घर में ही, मैं घर की चीज़ों से ही बता रही हूँ तो मैंने घर में ही निकाली थी ये। और यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून शुगर डाली है मैंने। अब अच्छे से इसको चला लेंगे। ये जब सब्जी में अच्छे से बॉयल आने लगे उसके बाद में हम इसमें जो भी सॉल्ट है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कर दिया है सॉल्ट ऐड, अच्छे से बॉयल होने लगी थी सब्जी। अब हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर भी डाल रही हूँ जिससे कि बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा। ग्रेवी अच्छे से पक गई है। उसके बाद में जो मैंने पनीर को फ्राई करके रखा था वो डाल दिया है। ये 250 ग्राम पनीर है। इस तरीके से चलाते रहेंगे।
हल्के हाथ से चलाएंगे। फाइव मिनट पकाने के बाद में मैंने ये कोरिएंडर लीव्स डाल दी हैं चॉप्ड, अब इसको भी थोड़ी चला देंगे। और गैस के फ्लेम को बंद कर दिया मैंने। और लीजिए, आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर की रेसिपी तैयार है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।